सहारनपुर में मीट की दुकानों को बंद कराने गए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर मीट कारोबारी द्वारा गोली चलाने का बड़ा आरोप। सहारनपुर नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नवाबगंज चौकी पर लगाया भयंकर जाम। मौके पर बजरंग दल कार्यकर्ता कर रहे हैं जमकर नारेबाजी और लगाया जाम। वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग कर अड़े बजरंग दल के लोग। नवरात्रि के पावन पर्व पर शहर में खुल रही है मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग की। थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के नवाब जी सर आपका परिचय कपिल प्रांत बलो पाटना प्रमुख बजरंग दल। पूरे देश के अंदर हिंदू समाज के द्वारा नवरात्रों का त्यौहार मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष उस पर मीट की दुकानें बंद रहती है। इसलिए कल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट सहारनपुर को ज्ञापन दिया गया कि आप नवरात्रों के चलते दुकानों को बंद कराइए, परंतु प्रशासन के द्वारा कोई संज्ञान इस चीज़ का नहीं लिया गया। आज बजरंग दल के कार्यकर्ता स्वयं इन दुकानों को बंद कराने के लिए गए। उस समय एक मुस्लिम संचालक होटल का नाम मुगल होटल पर जब उसको बंद कराने के लिए गए तो होटल संचालक के द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गई। सभी लोग नवाबगंज चौकी पर आए हैं, जब तक ढाबा संचालक की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक यहां से कोई भी कार्यकर्ता नहीं जाएगा। सब पूरे देश के अंदर ज्ञापन दिए जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर बंद कराई जा रही है। जिस समय कार्यकर्ता गए इस चौकी के दरोगा उल्टा कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव बना रहे थे और उनको गाली देकर वहां से भगाया कि जाओ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस चीज को बंद कराने। कोई अधिकारी आपसे पूछने के लिए यहां पर अभी तक पहुंचा है? कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक और बैठे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर चल रहा है।